सत श्रीकाल जी, स्वागत है अज की इस नवी वीडियो में। अज की वीडियो स्पैशल है, जेडे भी एप्लीकेंट जो कंट्री यूज करना चाहते हैं तो कन्फ्यूज होंगे ने, क्योंकि देखो रीसेंट पास आउट है जिसे बैंड 6E आए हुए हैं, वो ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री जिथे स्टूडेंट वीज़ा लगता है वो वास्ते एलिजिबल हो जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि कंट्री बेस्ट सूटेबल हो सकती है। कई रीजनस वक्रे ने जिदे फैमिली लिंक कितने ने, वो चीज़ा भी मैटर कर दें, बट अगर मान लो तो कोई भी कितने नहीं है, इदा की कंडीशन केंट्रीज जी है तो वास्ते बेस्ट होंगी है। क्यों कैनेडा भी कहा जाता है कि वो बेस्ट कंट्री है, क्यों सारे कैनेडा वाले पास ही अपलाई करना चाहते हैं, इस डिटेल के आप डिस्कस करेंगे वीडियो। चैनल में सबसक्राइब कर लो, वीडियो एंड तक जरूर देखियो फॉर डिटेल्ड इनफॉर्मेशन। जिन्होंने अपलाई करना है स्टूडेंट वीज़ा किसी भी कंट्री का, जब कैनेडा अप्लाई करना तो 9041090410 से कॉल कर सकते हो। ऑफिस आके मिलना चाहते हो जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तीन जगह से साढ़े ब्रांच ऑफिस ने, किसी भी ब्रांच ऑफिस तुम आके मैं मिल सकते हो। अपॉइंटमेंट बना लियो क्योंकि मैं रैंडम डेज के उपर ही अवेलेबल हूँ। इतने अगर गलबात करिए सब की जो पूछीदा कि स्टूडेंट वीज़ा अपलाई करना चाहते, ड्रीम कंट्री हर स्टूडेंट की राइट नाउ कैनेडा ही है। कैनेडा क्यों ड्रीम कंट्री हर एक की, ये दोस्तों सब तो बड़ा रीज़न, मैं यही कहना कि सिर्फ पढ़न का करके बच्चे कहें जी मैं कैनेडा जाना, होर भी कई ऑप्शन होंगे ने, होर भी कई बच्चे दे इंटरस्ट होंगे ने जिहड़ा बच्चा देखता, क्योंकि कोई भी जो आप रियलिटी दे विच आईए तो जिहड़ा इतों एजुकेशन लई जा रहे हो एजुकेशन के मीडियम के नाल एजुकेशन एक पाथवे बना के उत्ते सैटल होना चाहता है। सो वो फुलफिल जिथे सौखा होंदा है, वधिया कंट्री है, वो जो बच्चे चूज करना देखते हैं, लिस्ट देखते हैं, तो वो सब तो पहला कैनेडा आ जाता। कैनेडा तो आ जाता, कैनेडा तुम प्लस टू तो बाद डिप्लोमा लै लो, डिग्री कोर्स लै लो, या ग्रेजुएशन तो बाद डिप्लोमा लै लो, या फिर मास्टर डिग्री लै लो। कोई भी प्रोग्राम तुम अगर 2 साल का लेंगे तो तुम्हें 3 साल का वर्क परमिट मिलता, जिन्होंने आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क वीज़ा कहने। तो एक बच्चे के कोल जो कैनेडा जाता उसको 5 साल की स्टे तो सिक्योर होती है, नॉर्मली 5 साल तक की जो स्टडी कंप्लीट करोगे तो 3 साल का वर्क तुम्हें मिलना ही मिलना है, और कोई वो प्रॉब्लम नहीं आती। तो वो बच्चा जिहड़ा 5 साल ही सिक्योर हो गया, वो अपने फीस के खर्चे भी कढ़दा है, वधिया अर्निंग भी कर लैंदा है, 1 साल का एक्सपीरियंस लैके वो PR वास्ते एलिजिबल हो जाता है। सबनू पता है राइट नाउ सब तो ज़्यादा इमीग्रेशन को लैके टारगेट किहड़ी कंट्री दा, अगर 4 लाख तो बाद इमीग्रेशन वाले बंदे चाहिए ने या उत्थे इमीग्रेंट चाहिए ने, तो किहड़ी कंट्री इहो जिहा टारगेट रख के बैठी, दैट इज़ कैनेडा। तो मतलब आईडी डेट जिहदा कैनेडा स्टूडेंट वीज़ा लग जाता वो भी मान के चलता कि मैं हुण पक्के हो ही जाना, सिर्फ 4 साल की गल है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 6E ਬੈਂਡ ਲੈ ਲਓ, ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, 60% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਚਾਂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ UK No. 1 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एजुकेशन के मामले च भी काफ़ी टॉप से टॉप की कंट्री से आना है, वीज़ा रेशो के मामले च भी वधिया स्टैंड रखता है, रिक्वायरमेंट के मामले दे विच भी लीनियंट रहिंदा है, मतलब लिमिटेड रिक्वायरमेंट ही है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ रूल नहीं है। बाकी जिहड़ा चला जाता है PR जो बच्चे का फाइनल गोल हुंदा, मैक्सीमम बच्चा हर एक का तो मैं नहीं कहता, मैक्सीमम बच्चे का गोल हुंदा वो ईजली अचीव हुंदा, तो एक वधिया लाइफ जे कहिए वो भी कैनेडा दे विच अवेलेबल है। फीस स्ट्रक्चर वो भी काफ़ी बच्चे अफोर्ड कर लेंगे ने, क्योंकि 15 to 16,000 to 18,000 कैनेडियन डॉलर फीस स्ट्रक्चर रह जाता है। फस्ट टाइम इन्वेस्टमेंट 14-15 लाख की, उस तो बाद बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, UK कई बार बच्चे फीस में लैके चैलेंज आते कि फीस ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलिया के भी बच्चे ने फंड वगैरह शो करने, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी कैटेगरी महंगी है, तो कितना कितने अफोर्डेबल एजुकेशन तो वधिया लिविंग स्टाइल एंड ईजी PR के ऑप्शन देखते हुए बच्चा कैनेडा ही चूज करता। यस, अगर तुम एलिजिबल हो, मैं भी कहना तुम्हारी फस्ट प्रैफरेंस कैनेडा ही होनी चाहिए। वैदर वाला सिस्टम छोड़ दो, वो चलो मुश्किल है थोड़ा जहा, बट स्टिल हर एक चीज़ बेस्ट नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ चैलेंज भी आते हैं, बट कैनेडा आने वाले टाइम च भी जो टॉप प्रियोरिटी स्टूडेंट की रहने वाला वो कोई फर्क नहीं है। सितंबर के एडमिशन तो तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, जिन्होंने स्टिल सितंबर अपलाई करना 9041090410 से कॉल कर लो, या नियर बाय साढ़े ब्रांच ऑफिस सूँ आके मिल सकते हो। अगले दोस्तों इन्ना ही, धन्यवाद।